हेलो किड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली। दिस हाउस माय इज, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं। दिस इज माय हाउस, ये सेंटेंस होना चाहिए था। रीना टू टेंपल डेली गोज, दीज आर नॉट सेंटेंसेस, दीज आर ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट मेक एनी सेंस। ये खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कोई सेंस नहीं बनाते, सो दीज आर नॉट कॉल्ड सेंटेंसेस। Now read the same group of words in an another form. This is my house. Reena goes to temple daily. A group of words that make complete sense is called a sentence. Examples: there are some vital points to remember about a sentence. Ritu is sleeping. Read aloud with me. Ritu is sleeping. Ritu सो रही है. Mohan is studying. Mohan पढ़ रहा है. Tarun is playing. Tarun खेल रहा है. Ram is a good boy. Ram एक अच्छा बच्चा है. John is my friend. John मेरा दोस्त है. These are birds. ये चिड़िया हैं. Remember the following. First, always start a sentence with the capital letter. हमें हमेशा एक सेंटेंस को कैपिटल लेटर में स्टार्ट करना है. A full stop must be put at the end of the simple sentence. हमें हर एक सिंपल सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना है. The word I is always written capital in a sentence. जो वर्ड होता है आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है सेंटेंस में. अ सेंटेंस कैन ईदर एंड विद अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी साइन आल्सो. जैसे कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो. Wow, what a beautiful scene. इसको हम question mark कहते हैं जो हमारे question sentences में use होता है. Wow के बाद जो exclamation mark लगा है उसे हम कुछ हैरानी वाली चीजों के लिए use करते हैं. Wow, what a beautiful scene.